कंटेंट क्वीन एकता कपूर ने मनाया डिजिटल स्पेस में बालाजी की सफलता का जश्न। टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के बाद कंटेंट क्वीन एकता कपूर अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर छाई हुई हैं और बीती रात एक सक्सेस पार्टी के साथ एकता अपनी इसी सफलता का जश्न मनाते हुए नजर आई। निर्माता ने अपनी नवीनतम वेब सीरीज द वर्डिक्ट स्टेट वर्सेस नानावती के साथ एक बार फिर दर्शकों का दिल जीत लिया है और अब अपने नए शो फितरत के साथ मनोरंजन करने के लिए तैयार है। निसंदेह कंटेंट क्वीन ने अपने अनोखे और फ्रेश कंटेंट के साथ ओटीटी स्पेस में भी सफलता का परचम लहरा दिया है। बीती रात आयोजित की गई इस पार्टी में एकता कपूर नीले रंग के जंपर सूट में बेहद खूबसूरत और क्लासी लुक में नजर आई। साल 2019 एकता कपूर के लिए एक सफल वर्ष रहा है। सबसे पहले फिल्म ड्रीम गर्ल ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता का स्वाद चखा, जिसे अपने अनोखे कॉन्सेप्ट के लिए क्रिटिक्स और प्रशंसकों द्वारा बेहद सराहा गया था, जिसके बाद डॉली किट्टी और वो तथा चमकते सितारे, जिनका कोरिया में बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भव्य प्रीमियर हुआ था। यह इस बात का प्रमाण है कि निर्माता अपने दर्शकों की नब्ज को बखूबी समझती है और वर्सटाइल स्क्रिप्ट के साथ उनका मनोरंजन करना जानती है। इतना ही नहीं, कंटेंट क्वीन जल्द दिशा पट्टानी अभिनीत एक अनटाइटल्ड फिल्म में कॉमेडी ड्रामा के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इंडस्ट्री में सबसे सफल निर्माताओं में से एक के रूप में खुद को साबित करते हुए एकता कपूर जनता के लिए कंटेंट निर्माण करने की कला को बखूबी जानती हैं। एकता कपूर ने हाल ही में बालाजी प्रोडक्शन के 25 साल पूरे किए हैं और यह उनके लिए गर्व एवं जश्न का क्षण था, क्योंकि और बालाजी, जो कि बालाजी टेलीफिल्म्स का एक डिवीजन है, उसके 20 मिलियन पेड सब्सक्राइबर हो गए हैं। विभिन्न टीवी सीरियल, फिल्में और वेब शो की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ ऐसी कोई भी स्क्रीन नहीं है जो कंटेंट क्वीन से अछूती और बेपर्दा हो। यकीनन एकता कपूर ने स्क्रीन पर विविध प्रकार की शैली के साथ अपनी एक गहरी छाप छोड़ दी है।